नामांकन से पहले अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर स्थित अपने घर में मां से जाकर उन्होंने मुलाकात की और आशीर्वाद भी लिया। अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने लिखा, मां प्रेरणा है, मां मेरी शक्ति है, मां मेरी ऊर्जा है, मां मेरी साहस है, हिम्मत है, ताकत है। जब भी उनसे मिलता हूं सारी थकान दूर हो जाती है। प्यार से पुचकार कर जब वो पूछती है, दिन भर ज्यादा काम था क्या और कुछ खाया अर्जुन? अपने उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, अपनी संतान के लिए मां की ममता, उनका वात्सल्य, उनका निस्वार्थ प्रेम, उनके जज्बात सदैव ममत्व से भरे होते हैं। पिछले कुछ समय से मां बीमार, इसलिए हम इस बार रांची आवास नहीं आ पाई। नामांकन की पूर्व संध्या पर जमशेदपुर स्थित घर में मां से मिलकर आशीर्वाद लिया। का मिजाज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मचल रहा है सब लोग। अच्छा, उलगुलान रैली में ये चैलेंज हुआ है कि इस बार प्रभात तारा मैदान तक ही उलगुलान था और आपस में ये लोग उलगुलान कर रहे थे, आपस में उलगुलान, यानी कि इस बार झारखंड की 14 लोकसभा सीट जीत रहे, झारखंड की 14 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। 45 वोटों का अंतर था। और खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रांची से सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने खूंटी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या उस वक्त माहौल था जब नामांकन करने पहुंचे थे अर्जुन मुंडा? हाँ राकेश, देखिए तस्वीरों में हम स्पष्ट तौर पर दिखाना चाहेंगे कि नामांकन भरने के बाद देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। वही देखिए अर्जुन मुंडा जी दिख रहे हैं, सुदेश महतो की बात की जाए आपसे, सुप्रीमो सुदेश महतो दिख रहे हैं, साथ ही नीलकंठ सिंह मुंडा, देखिए नीलकंठ सिंह मुंडा जो है वो दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये रोड शो में जो जनता की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। वही जो अर्जुन मुंडा जी की पत्नी है वो यहाँ पर दिख रही है। मैम क्या अर्जुन मुंडा जी का जीत निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन बहुत लंबा रहेगी। मुंडा जी को आपने सुना और ये आप जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं और अर्जुन मुंडा जी स्वयं है, उनकी पत्नी साथ में दिख रही हैं, उनकी पत्नी देखिए आभार जता रही हैं। तो ये आप रोड शो में जनता की जो भीड़ है, यानी कि खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जो जनता का समर्थन है, क्या होगा इसमें? हो गया, अभी छोड़ दीजिए, भैया सुनाई नहीं दे रहा। जो हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जनता है जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाती हुई दिख रही है और साथ में आजसू के जो कार्यकर्ता हैं वो दिख रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं ये खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से है, जहाँ से कि अर्जुन मुंडा वो नामांकन दाखिल करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, साथ में अर्जुन मुंडा जी हैं, उनकी पत्नी जो हैं मीरा मुंडा जी हैं और उनके पीछे सुदेश महतो जी दिख रहे हैं और जनता का आभार, क्योंकि यहाँ से जो जन समर्थन इन्हें मिल रहा है, यानी जनता का जो प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इससे आभार। इस बार 14 का 14 वीर अर्जुन मुंडा इस बार 2-3 लाख वोट से ज्यादा से जीतेंगे। देखिए 2-3 लाख मतों से ज्यादा से इनका कहना है कि वो जीतेंगे और ऐसे में जो अब की बार 400 बार अर्जुन मुंडा के टक्कर में कोई नहीं है, सारा विपक्ष एकतरफ हो गया है, सब घोटालेबाज नक्षत्र की तरह दौड़ रहे हैं, लग रहे कब हमारे भ्रष्टाचारी अब मौका मिले कि हम लूटे सा पूरे इंडिया को, मीडिया का बटन चोर है। ये हम किसी पर ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं, ठीक है आप साइड हो जाइए। ऐसे में देखिए तस्वीरों में बिल्कुल रुचि जो कार्यकर्ता में जो उत्साह है देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, ये अर्जुन मुंडा को लेकर बात करना चाहेंगे यहाँ पर रुचि की। अर्जुन मुंडा कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, चूंकि राजनाथ सिंह भी आने वाले, जनसभा होगी उनकी। राजनाथ सिंह जी की सभा होने वाली है, राजनाथ सिंह जी पहुंचने वाले हैं, और ऐसे में जो नेताओं कार्यकर्ताओं का उत्साह है बहुत उत्साहजनक है, और हम लोग जीत रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ। अर्जुन मुंडा जी खूंटी से जीत रहे हैं, और यह कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं हम लोग पूरे झारखंड से। कांग्रेस का जो सुपड़ा है वो साफ करने जा रहे हैं, एक बार फिर हम लिए चलते हैं सर के पास। देखिए, क्योंकि हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को साझा कर रहे हैं, बस इस न्यूज के माध्यम से साझा कर रहे हैं, तो एक शब्द धन्यवाद। तो इस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि चूंकि राजनाथ सिंह का भी आगमन होने वाला है, और दो बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे, और लगातार इनके नामांकन में जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगते हुए देखे जा रहे हैं, और 400 पार, चूंकि लगातार कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है, जुनून जो है वो दिख रहा है, और साथ में चूंकि धीरे धीरे इनका कारकेट जो है वो बढ़ रहा है, राजनाथ सिंह भी सभा करने वाले हैं, तो कितना उत्साह है राजनाथ। खूंटी में जनता सब लोग खुश है, मोदी मय हो गया है, पूरा खूंटी मोदी मय हुआ है, और इंतजार है 13 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ मतदाता वोट करेंगे, और 4 तारीख को खूंटी में कमल खिलाने का काम करेंगे, पूरा देश में कमल खिलेगा। अब की बार 400 पार। तो मोदी जी के नाम पर वोट है कि अर्जुन मुंडा जी के काम पर वोट मिलेगा? अर्जुन मुंडा जी के काम पर भी मिलेगा, और मोदी जी के नाम पर भी वोट मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। तो अब की बार 400 पार के नारे लगाते हुए, और देखिए मोदी की गारंटी का दावा एक बार फिर से करते हुए देखे जा रहे हैं, तो मुंडा जी के पास लिए चलते हैं। मुंडा जी क्या कहते हैं सर? सर जनता का थोड़ा, चूंकि साउंड अत्यधिक है, विजुअल वहां तक आवाजें नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन जनता को हम दिखाना चाहेंगे, जो जनता है लगातार उनके लिए नारे लगाती हुई दिख रही है। और अर्जुन मुंडा जी के लिए ये समर्थन है या मोदी जी? मोदी जी के भी समर्थन है, अर्जुन मुंडा जी के भी समर्थन है। अब की बार 400 पार। कालीचरण जी है, कालीचरण मुंडा भी, अब वो कहीं का नहीं रहेंगे, अभी कहीं का नहीं, जमाना जब्त होने जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए लगातार हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं। जी बिल्कुल रुचि, जो कार्यकर्ता में जो उत्साह है, जो मांग है, साफ तौर पर देखा जा रहा है। खूंटी की जनता इस बार अर्जुन मुंडा का कितना साथ देती है ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए आपका।